गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के अंदर रिफंड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है टैक्स पेयर्स को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये जो रिलैक्सेशन दी गई है इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए और आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ भी लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 16। इसमें जो है काफी सारे सीजीएसटी रूल्स को अमेंड किया गया है। इसका जो पॉइंट नंबर 7 है, ये बात करता है रूल 86 सब रूल 4 के इंसर्शन। इसमें जो बातें बताई गई हैं, इसमें ये बातें बताई गई कि सपोज आपको जीएसटी का पेमेंट करना था, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का या आईजीएसटी का, आपने उसका पेमेंट कर दिया गलत हेड में, यानी कि सीजीएसटी का पेमेंट हो गया आईजीएसटी में, ये एसजीएसटी का पेमेंट हो गया आईजीएसटी में, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि जो आपने टैक्स गलत हेड में जमा कर दिया है उसका आप रिफंड क्लेम कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो आपका टैक्स जमा होना चाहिए था करेक्ट हेड में आप कैश लेजर से पेमेंट करते हैं। अब देखिए इस अमेंडमेंट के बाद क्या होगा। आफ्टर सब रूल 4, सब रूल 4A शैल बी इंसर्टेड, जो कहेगा वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड रिफंड ऑफ एनी अमाउंट पेड एज टैक्स wrongly paid or paid in excess for which debit has been made from the electronic credit ledger। अब यहाँ पर आपको बेहद अच्छी तरीके से समझना होगा, जब आप टैक्स का पेमेंट करते हैं, चाहे आप एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप रॉन्ग का पेमेंट करते हैं रॉन्ग हेड में, तो क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो उसका अमाउंट जो आप पेमेंट करेंगे वो कैश लेजर के अंदर डेबिट के थ्रू किया जाएगा, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें से आप अमाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये जो चेंज किया गया है, ये इस केस के लिए चेंज किया गया कि आपने जो पेमेंट करा है टैक्स का आइदर रॉन्ग और आइदर एक्सेस, वो आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करते हुए करा है। द सेड अमाउंट इफ फाउंड एडमिसिबल शैल बी recredited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in GST PMT 03। चीजों को समझना बेहद जरूरी है कि यहाँ पे क्या बात बताई गई। यहाँ पे बताया गया कि जो अमाउंट रॉन्गली पे हो गया या एक्सेस में पे हो गया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करते हुए, द सेड अमाउंट इफ फाउंड एडमिसिबल, अगर वो आपका अमाउंट जो है वो एडमिसिबल रहता है तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है वो आपको दोबारा से डाल दिया जाएगा उतने अमाउंट का पैसा जो कि आपने गलत तरीके से गलत हेड में जमा कर दिया है या फिर आपने एक्सेस पे कर दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका पैसा जो है वो रिफंड दे दिया जाएगा इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 03। तो अब यहाँ पर रिफंड से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल के आया है कि अगर आपका रिफंड अलाउ हो जाता है तो वो रिक्रेडिट किया जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब देखिए जो हमारा रूल 86 है वो किस चीज की बात करता है और पुराने रूल्स के अंदर क्या बातें लिखी गई थी। इसमें बताया गया था द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी मेंटेन्ड इन पीएमटी 02 फॉर ईच रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स अंडर द एक्ट ऑन द कॉमन पोर्टल पीएमटी 02 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है वो बनाया जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी, जो आपकी लाइबिलिटी होगी उसके अमाउंट तक वो डेबिट भी किया जाएगा। इसी में बताया गया कि अगर आपने लाइबिलिटी को गलत हेड में दिखा दिया, गलत हेड में पेमेंट हो गया, डेबिट हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से और आप उसका रिफंड क्लेम करते हैं और वो रिफंड आपका एडमिसिबल हो जाता है, तो जितने अमाउंट का पेमेंट आपने गलत कर दिया है वो आपके क्रेडिट लेजर में दोबारा जो है क्रेडिट किया जाएगा। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 द अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ द क्लेम शैल बी डेबिटेड। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ अमाउंट पड़ा है जो कि अनयूटिलाइज्ड है तो उसे आप सेक्शन 54 के प्रोविजंस के हवाले से रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था सब रूल 4 जो बात करता था इफ द रिफंड सो फाइल इज रिजेक्टेड आइदर फुल्ली और पार्टली, यानी कि जो सब रूल 3 के अंदर रिफंड फाइल हुआ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है द अमाउंट डेबिटेड अंडर सब रूल 3 टू द एक्सटेंट ऑफ रिजेक्शन शैल बी रिक्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय द प्रॉपर ऑफिसर।
तो अभी तक जो प्रोविजंस था वो सिर्फ इसी चीज के लिए था कि हमारा जो अमाउंट रिजेक्ट होगा एज अ रिफंड वो आपको क्रेडिट लेजर में दोबारा से दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत टैक्स पे कर दिया है, गलत हेड में पे कर दिया है, पेमेंट आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से किया है और आप उसका रिफंड अप्लाई करते हैं और रिफंड जो है वो एडमिट हो जाता है, रिफंड एडमिसिबल पाया जाता है, तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दोबारा जो है दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है टैक्स पेयर्स को, जिनकी टैक्स अमाउंट की पेमेंट जो है वो गलत हो गई थी, वो अब रिफंड क्लेम कर पाएंगे उस पर्टिकुलर फिगर का।